दोस्तों, मेरी इससे पहली वीडियो में आप सबने इस बेडरूम के बेड का डिज़ाइन देखा था। आज की वीडियो में आप सबको इस मास्टर बेडरूम के वार्डरोब का डिज़ाइन दिखाने वाला हूँ। इस वार्डरोब के डोर के फ्रंट पर हमने एक्रिलिक सीट को यूज किया है, जिसकी क्वालिटी आपके सामने है। आइए वार्डरोब के पार्टीशन और ड्रॉर देख लेते हैं। सबसे नीचे की साइड में शूज ड्रॉर है, जिसकी हाइट 8 से 12 इंच लेनी होती है, जिसके अंदर शूज आराम से आ सकें। शूज ड्रॉअर आप अपने शूज की हाइट के हिसाब से बनवा सकते हैं। वार्डरोब के सेंटर में 6 इंच की एक और ड्रॉअर, जिसमें आप अपने यूज के पर्सनल सामान रख सकते हैं। वार्डरोब के साइड के सभी पार्टीशनों में प्रोफाइल लाइट लगाई गई है। प्रोफाइल लाइट लगाने के लिए बोर्ड में कटिंग करनी पड़ती है, जिसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगाई जाती है। इस वार्डरोब के डोर में हैटिक का सॉफ्ट क्लोज कब्जा लगाया गया है। ये कब्जा जर्मन है। इसी टाइप का कब्जा हैटिक का इंडियन भी आता है, जिसका प्राइस थोड़ा कम है। वार्डरोब के डोर में सॉफ्ट क्लोज कब्जा लगाने से डोर धीरे से जाकर बंद होता है। नॉर्मल हिंज से बंद होने पर आवाज़ भी आती है। वार्डरोब के अंदर हमेशा ओवल रोड लगवाएं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। राउंड रोड कपड़े हैंग करने पर बैंड हो जाती है। वार्डरोब में कपड़े टांगने वाला स्पेस हाइट में 4.25 फीट से 4 फीट रख सकते हैं। वार्डरोब के सेंटर में 1 या 2 ड्रॉर जरूर दें, जो आपके बहुत काम आते हैं। इसके नीचे परेस करके कपड़े रखने वाला स्पेस है। और वार्डरोब के सबसे नीचे शूज ड्रॉर होता है, जिसमें आप शूज रख सकते हैं। ये सभी एरियाज वार्डरोब के अंदर निकालने ज़रूरी हैं। और ओवर हाइट बॉक्स में आप अपने बैग और मौसम के हिसाब से यूज होने वाले कपड़े रख सकते हैं। इस वार्डरोब की यहाँ पर एक साइड कंप्लीट होती है। इसके बाद में सेंटर में भी इसी टाइप का ओवर हाइट में बॉक्स, जिसके अंदर भी आप अपने बैग या कम यूज होने वाले कपड़े रख सकते हैं। इस एरिया को सेंटर में ओपन छोड़ दिया है, जिसके ऊपर फैब्रिक का काम होना बाकी है। इस एरिया में फैब्रिक की क्विल्टिंग की प्लानिंग है। इसके नीचे भी शूज ड्रॉअर, इन ड्रॉअर्स में अगर आपके पास में ज़्यादा शूज हैं तो रख सकते हैं। यहाँ पर इस स्टोव में आप अपने लैगेज रैक या डेली यूज होने वाला सामान रख सकते हैं। वार्डरोब को 2 मेंबर के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीके से इधर भी वार्डरोब में सेल्फ और पार्टीशन दिए हुए हैं, जिसको दूसरा मेंबर यूज कर सके। ज़्यादातर वार्डरोब को लेडीज और जेंट्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इस वार्डरोब में दोनों मेंबर अपना काम चला सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब मेरे बारे में जानते हैं, मैं फर्नीचर से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, सी यू, टेक केयर।